राहुल या गिल इंदौर में करेगा भारत सीरीज और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए सीट सील। जी हां, यही उम्मीद हम सभी कर रहे हैं कि इंदौर में भारत जो है न सिर्फ सीरीज सील कर ले, तीसरा टेस्ट मैच जीतकर 3-0 की अपराजेय बढ़त ले ले, और इसके अलावा जो है भारत तीसरा टेस्ट मैच अगर जीतता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उसकी सीट जो है वो कंफर्म हो जाएगी, तो इसकी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल है भारतीय प्रशंसक के सामने कि केएल राहुल खेलेंगे या शुभमन गिल, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा इंदौर की पिच कैसी होने वाली है, भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी, ऑस्ट्रेलिया क्या चेंजेस कर सकता है, आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करूंगा। 1 मार्च से जो है तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। जीत की हैट्रिक लगाने, इस सीरीज में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय टीम इंदौर में उतरने वाली है। टेस्ट मैचों के लिहाज से देखें तो जीत का चौका लग सकता है, क्योंकि गाबा में जो आखिरी टेस्ट मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां भी भारतीय टीम जीती थी, और उसके बाद भारत में हुए अभी दोनों टेस्ट मैच नागपुर और दिल्ली में जीत चुकी है। तो अगर इंदौर भी भारतीय टीम जीतती है तो यह जीत का चौका भी होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचों में, और जहां तक इस टेस्ट सीरीज की बात है तो यह हैट्रिक होगी। तो क्या भारतीय टीम ऐसा कर सकती है? मादा तो है, अवसर भी है, और मुझे लगता है कि भारतीय टीम में वो क्षमता भी है। हालांकि और ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो मेंटली थोड़ी टूटी हुई भी है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो भारतीय टीम के सामने भी है, ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने भी है। क्या सवाल है? तो भारतीय टीम के लिए तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनफॉर्म शुभमन गिल खेलेंगे या आउट ऑफ फॉर्म केएल राहुल। देखिए, टीम का जो आप सपोर्ट है, टीम मैनेजमेंट का, चाहे आप राहुल द्रविड़ की बात कर लें, रोहित शर्मा की बात कर लें, उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच के बाद साफ कर दिया था कि वो केएल राहुल के साथ हैं। तो उससे लगता है कि केएल राहुल को एक अवसर और भी मिलने वाला है। सोमवार को जब नेट सो रहा था तो उसमें भी देखा गया था कि केएल राहुल जो है वो शुभमन गिल के साथ जो है वो नेट्स कर रहे हैं। दोनों ने लगभग आधे आधे घंटे प्रैक्टिस की थी, और दिलचस्प ये था कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ जो है वो उस दोनों को बल्लेबाजी करते हुए देख रहे थे। केएल राहुल जहां डिफेंस पर कंसंट्रेट कर रहे थे, वो गेंदों को रोक रहे थे, तो दूसरी तरफ शुभमन गिल जो थे वो थोड़े अटैकिंग मूड में दिख रहे थे, वो अपने शॉट्स खेल रहे थे। तो जहां तक टीम मैनेजमेंट की बात, जैसा मैंने कहा कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ राहुल के सपोर्ट में है, लेकिन बीसीसीआई ने एक वीडियो इस बीच जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, और अगर उससे हम कोई संकेत निकालें या उस इशारा को समझने की कोशिश करें तो वो जो वीडियो है उसमें दिखाया गया है कि जो विराट कोहली हैं वो स्लिप में कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं स्लिप की, और स्लिप में कैचिंग की प्रैक्टिस कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल। जबकि पहले जो स्लिप कैचिंग की वीडियोस पोस्ट किए गए थे उसमें हमेशा जो है केएल राहुल को स्लिप में फील्डिंग करते हुए दिखाया जाता था। तो क्या ये कोई एक इशारा है? ये बातें तो जो है आपको टॉस के वक्त ही पता चलेगी बुधवार को कि हाँ क्या है या नहीं है। तो एक तो ये चेंज है, इसके अलावा दूसरा चेंज जो है हो सकता है भारतीय टीम में, वो क्यों हो सकता है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये बता दूं कि इंदौर की पिच कैसे रहने वाली है। तो देखिए, इंदौर की पिच के लिए कहा जा रहा है कि ये लाल मिट्टी की पिच है, तो जो लाल मिट्टी की पिच होती है वहां पर बाउंस आपको मिलता है, हल्का ग्रास भी छोड़ा जाता है ताकि विकेट को थोड़ा वो बाइंड करके रखे, और फिर जब गेम प्रोग्रेस करता है तब जाके बाद में वो स्पिनर्स को मदद करती है। लेकिन अगर इस लिहाज से जाएं, और जो आखिरी टेस्ट मैच यहां पर खेला गया था 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ, अगर हम उसकी बात करें तो वहां पर जो है भारत के तेज गेंदबाज जो थे, चाहे ईशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद शमी की हम बात करें, तो इन्होंने 14 विकेट लिए थे। तो इससे एक इशारा मिलता है कि इंदौर के पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, और ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो खुश हो सकती है, उसके लिए वापसी का मौका बन सकता है। और ऐसे में मिचेल स्टार्क और ग्रीन का टीम में आना लगभग तय माना जा रहा है। नए कप्तान बनाए गए हैं स्टीव स्मिथ,
तो मुझे लगता है कि स्टार्क और ग्रीन को वो लेंगे, रेनशॉ बाहर जा सकते हैं और कुहनेमॉन की जगह पर बोलैंड को भी टीम में शामिल किया जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलियाई टीम तीन पेस बॉलर के साथ जा सकती है, तो क्या भारतीय टीम तीन पेस बॉलर के साथ जाएगी? और अगर भारतीय टीम तीन पेस बॉलर के साथ जाएगी तो अक्षर पटेल के लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अक्षर पटेल ने इस सीरीज में कमाल की बल्लेबाजी की है, तो उनकी जगह पर जयदेव उनादकट या उमेश यादव में से किसी एक को स्थान मिल सकता है। तो एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है, गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त संघर्ष होगा और अगर पिच तेज गेंदबाजों को मदद करती है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कुछ अवसर होगा। लेकिन देखना है, यहां पर अश्विन का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पर हर 13वीं गेंद पर अश्विन को विकेट मिलता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी है। तो देखना है इस मुकाबले में क्या होता है। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं, अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।